हरे कृष्णा डियर डियर लिसनर्स, तो आज हम आप सबका स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 27 में, और आज हम भगवद गीता के चैप्टर 2 वर्स नंबर 13 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और आज टॉपिक रहेगा लेट्स रिकॉग्नाइज दैट वी हैव नॉट रिकॉग्नाइज आवर सेल्व्स। तो श्लोक कुछ इस प्रकार से है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. तो आज ये 13वां श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मा के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि जिस तरह से शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है। अधीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द नॉलेज ऑफ सोल। यूजली जब आत्मा की बात होती है तो लोग आवाज लेते हैं, अरे बाबा ये तो भाई आत्मा के बारे में बताएंगे, अभी आत्मा के बारे में जान के भला क्या होगा? क्या आत्मा के बारे में जानने से पेट भरता है? हाँ, क्या करियर बनता है? नहीं, तो भला आत्मा के बारे में जान के क्या होगा? वेल, इसको समझने के लिए लेट्स हियर अ वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू पागलखाने में गए, और जब वो पागलखाने में गए एज अ वेल विशर गए थे आगरा के पागलखाने में, एंड ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो जब वो पागलखाने में गए देखने के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो वो डॉक्टरों से मिले, और डॉक्टरों से मिलकर कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि इन पागलों में से सबसे कम हानिकारक पागल कौन सा है। तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए बाकी सारे तो फिर भी थोड़े हिंसक हैं, वो जो कोने बैठा हुआ है वो इतना हानिकारक नहीं है, आप उससे जाके मिल सकते हैं। ओह आई सी। तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके पास गए तो उससे बातचीत की, और वो बड़े ही विचारशील होकर अपने हाथ को अपनी ठोड़ी पर रखकर बहुत ही गहराई से विचार कर रहा था। तो तब ने जवाहरलाल नेहरू कहा कि आप बहुत ही गहरे चिंतन में हैं। यस वेल, आप कौन है जो मुझसे आप ये सवाल पूछ रहे हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, और मेरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पागल हंसने लगा, हंसते 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 मतलब इसने अपना पेट पकड़ लिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, अरे ऐसा क्या हो गया भाई, मैंने यही तो बताया कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री हूं, क्या हो गया? तो ये पागल बोला, पता है मैं जब यहां पर नया नया आया था ना, मैं भी यही बोलता था कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश का प्राइम मिनिस्टर, और ये सुनते ही डॉक्टरों ने मेरे को इस पागलखाने में डाल दिया। अब तेरी बारी है बच्चू, अब तू भी अंदर आएगा। अब ये इस पागल के साथ गड़बड़ी क्या है कि ये खुद को वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू समझता था, जबकि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं था। सो जब हम अपने बारे में नहीं जानते हु वी एक्चुअली आर, और हमने आपको कुछ और समझते हैं जो कि हम नहीं है, तो वास्तव में हम पागल कहलाते हैं, राइट? इस तरह से इस दुनिया में 99.9999999999% लोग अपने आप को ये शरीर मानते हैं जो कि हमेशा से परिवर्तनशील है, जिसके बारे में यहां पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। सो इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, बट दैट विच इज कॉन्स्टेंट इज द सोल। बट सिंस दिस नॉलेज इज नॉट नोन टू अस, सो वी हैव रियली नॉट रिकॉग्नाइज आवर सेल्व्स। सो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्टोरी बताती है हमें कि एक्चुअली इस दुनिया में हर वो व्यक्ति जो कि अपने बारे में नहीं जानता कि वो वास्तव में आत्मा है और वो शरीर नहीं है, बल्कि सिर्फ इस शरीर में रहता है, वो इस बॉडी में रहता है जो कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, जो इस बात को नहीं समझता, इस बात को नहीं जानता और उस हिसाब से जिंदगी नहीं जीता, तो वास्तव में वो पागल है, बिकॉज ही इज मिस आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विद समथिंग एल्स व्हिच ही इज और शी इज नॉट। इसी तरह से अगर हम देखें जिनको भूत चढ़ा होता है, दोज हु आर हॉन्टेड बाय अ घोस्ट, दे ऑल्सो आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद समवन एल्स हुम दे एक्चुअली नॉट आर, जो कि वो नहीं है, वो अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि मुझे याद है मेरा एक दोस्त था और उसकी बहन को भूत चला था, इट वॉज सेट लाइक दैट, और काफी दवाइयां वगैरह उनको दी गई, बट देवर ऑल यूजलेस। सो दिस गर्ल यूज टू आइडेंटिफाई हर सेल्फ विद समवन कॉल्ड सलीम, अभी पता नहीं कौन था, ये तो किसी को नहीं पता, पर वो जो है एक अजीब सी आवाज निकालती थी, मार डालूंगा तेरे को ही, मार डालूंगा सबको, मार डालूंगा। तो उनकी माँ बोलती, अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते बच्चे, ऐसा नहीं बोलते, मेरा मैं तेरी माँ हूँ, मेरा ऐसा मत बोल, तेरे को ही मार डालूंगा। सो दिस गर्ल वॉज मिस आइडेंटिफाइंग हरसेल्फ विद समवन एल्स विच शी इज नॉट रियली। तो जब हमने आपको गलत रिकॉग्नाइज करते हैं जो हम नहीं हैं, तो पहले तो हुए हम पागल और दूसरे हम कहलाए भूत चढ़े, फर्स्टली वी आर मैड एंड सेकेंडली वी आर हॉन्टेड बाय अ घोस्ट। अब अगर हम एक ऐसे देश में रहें, ऐसे शहर में रहें, या ऐसे दुनिया में रहें वेयर एवरीवन एक्ट्स एज इफ दिस पर्सन इज मैड और हॉन्टेड बाय अ घोस्ट और बोथ ऑफ देम एट सच अ प्लेस, हाउ कैन वी बी हैप्पी, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट हैप्पीनेस इन सच अ प्लेस। तो इसीलिए दुनिया में देखते हैं कितना सारा कियोस है,
कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं, कितने संघर्ष हैं, कितने मन मुटाव हैं, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। व्हाई? क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करते हैं अपने इस शरीर के साथ। तो इसीलिए इस दुनिया के अंदर बिकॉज वी आर हैविंग अ रॉन्ग स्टैंड, तो इसीलिए हम जो भी करेंगे वो गलत ही होगा। वेल, जैसे कि अगर मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम में अगर पहली लाइन में गलती कर दी जाए, इन फर्स्ट लाइन इफ देयर इज स्मॉल मिस्टेक, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एक बस एक जगह पर, बाकी जगह पर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर सब जगह जक लगाए एकदम, लेकिन आंसर तो गलत ही आएगा क्योंकि पहली लाइन में ही गड़बड़ी कर दी हमने। इसी तरह से अगर हम अपनी आइडेंटिटी ही नहीं जानते तो हम जो कुछ भी करेंगे वो गलत प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर करेंगे, तो उसका रिजल्ट या तो बुरा होगा या फिर अच्छा भी होगा, तो पार्शली अच्छा होगा लेकिन पूरी तरह से अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अपने बारे में जानना कि हम आत्मा हैं, ये बहुत ही सुंदर चीज है हम लोग, और उसके बारे में और भी और जो क्वालिटीज हैं, आज और आने वाले एपिसोड्स में हम लोग चर्चा करेंगे कि आत्मा की क्या क्या क्वालिटीज हैं। और जब हम आत्मा की क्वालिटीज की बात कर रहे हैं ना, हम आपकी क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, मेरी क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, हम सभी की क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। एंड दोज क्वालिटीज आर सो यूनिक एंड सो अमेजिंग, और इस शरीर के बिल्कुल अपोजिट क्वालिटीज हैं, और वो कैसे चलेंगी, ऑफकोर्स उस पर हम डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो समवन मे थिंक ओके, आत्मा के बारे में अगर जान भी लें तो भला इससे फायदा क्या होगा, व्हाट विल द बेनिफिट? वेल, भगवान भगवद गीता में ही आगे जाकर समझाएंगे कि हम तीन चीजों से एटलीस्ट वी विल बी फ्री फ्रॉम, थ्री काइंड ऑफ मिजरेबल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। वन इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, क्योंकि अगर मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं और मैं कभी भी नष्ट नहीं होता, मैं कभी बूढ़ा नहीं होता, मैं कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो इस वजह से मेरा सारा डर निकल जाएगा। यूजली अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, नरिश करने के लिए, वी आर इन अ क्वेस्ट टू प्रिजर्व इट, टू प्रोटेक्ट इट। तो इसकी सेल्फ प्रिजर्वेशन और इसकी प्रोटेक्शन में हम लोग बड़े फियरफुल रहते हैं। बट वंस वी नो दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम लिविंग इन द बॉडी एज अ सोल, अगर मैं ये जानता हूं तो मैं बिल्कुल भय से रहित हो जाऊंगा। और हम में से हम सब चाहते हैं कि हम लोग भय से रहित हों। वी ऑल वॉन्ट टू बिकम फियरलेस, बट फैक्ट वी डू नॉट नो हाउ टू बिकम फियरलेस। तो ये है रूट कॉज पे अटैक करना, दैट इज टू आइडेंटिफाई दैट वी आर सोल, क्योंकि सोल को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। सेकेंडली लैमेंटेशन, दुख होना। जैसे कुछ लोग मोटे होते हैं और उनको ताना मारे, ए मोटे, ए कद्दू, ए काले कलूटे बैंगन लूटे, ए काली कलूटी बैंगन लूटी, ए मोटी कहेंगी, ए कद्दू कहेंगी। अगर कोई ऐसा ताना मारता है तो बहुत बुरा लगता है। अगर किसी का थोड़े से अगर फैट बढ़ जाए तो दिस पर्सन फील्स सो इनफीरियर। पर अगर कोई ये जानता है कि मैं ये शरीर तो हूं ही नहीं, ये शरीर भले ही मोटा दिखने वाला है लेकिन मैं इस मोटे शरीर में रहता हूं, मैं आत्मा, आत्मा मोटी नहीं है, सिर्फ ये शरीर ही मोटा है, सो दैट वे अ पर्सन कैन बिकम फ्री फ्रॉम लैमेंटेशन। इसका बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ हमको हमारे इन वन ऑफ द सेशंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल। वन ऑफ द लेडी वाज एक्चुअली वेरी स्ट्रेस्ड, शी वाज हैविंग इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि लोग उसे बोलते हैं कि वो मोटी है, वो उसकी वो सुंदर नहीं है, तो शी वाज ऑलवेज फीलिंग वेरी टेंस अबाउट इट। लेकिन जब उसने ये सुना कि मैं तो एक आत्मा हूं और मैं इस शरीर में रहती हूं, हर ऑफ मतलब शी वॉज इन टीयर्स एंड शी शेयर्ड, आई एम सो हैप्पी टू नो दैट आई एम सोल, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मोटा शरीर, ये गंदा शरीर, ये बीमारियों से भरा हुआ शरीर, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर में रहने वाली आत्मा हूं जो कि सबसे अलग है, इस सबके ऊपर है, इस सबसे ट्रांसेंडेंटल है। सो लैमेंटेशन से हमको फ्रीडम मिलती है। तीसरा वी एंड थर्ड वन इज फ्रीडम फ्रॉम इल्यूजन। हम अपने आप को मिस आइडेंटिफाई जो कर रहे हैं शरीर से, सो ये एक तरह का इल्यूजन है। हमने देखा है जब से स्मार्टफोन्स आए हैं, पीपल आर ऑब्सेस्ड विद सेल्फीज, तो अपने सेल्फीज खींचते रहते हैं, कभी दूर से देखकर, कभी किसी के साथ, तो सेल्फीज खींचते रहते हैं। बट फैक्चुअली स्पीकिंग हम सेल्फी उसकी खींच रहे हैं जो कि हम नहीं है, ये शरीर हम नहीं है, लेकिन हम इस शरीर को क्योंकि सेल्फ मानते हैं तो इसी की सेल्फी ले रहे हैं। लेकिन आज तक किसी ने भी आत्मा की फोटोग्राफी खींची, दैट दिस इज अ सेल्फ एंड हियर इज अ सेल्फी? और इस दुनिया में लोग सेल्फिश भी होते हैं। वेल, सेल्फिश होने के लिए माय डियर आपको पहले तो ये जानना पड़ेगा कि सेल्फ कौन है, एंड देन यू कैन बी रियली सेल्फिश। तो इस दुनिया में इनफैक्ट सेल्फिश होना भी एक इल्यूजन है वास्तव में। और एक और बेनिफिट क्या होगा, हाँ, कि हम आत्मा के लेवल पे जब हम जानेंगे खुद को भी और अपनी सारी डीलिंग्स को भी उसी लेवल पे रखेंगे, देन देयर कैन बी यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जैसे कि 70s में एक बहुत फेमस पंचलाइन थी, हिंदी चीनी भाई भाई। अब इस स्टेटमेंट के साथ गड़बड़ी है थोड़ी, हिंदी और चीनी भाई भाई। पहले तो हमने हिंदी और चीनी करके ही दोनों को अलग अलग कर दिया कि जिसने हिंदुस्तान में जन्म लिया वो हिंदी और जिसने चीन में जन्म लिया दैट इज चीनी। तो हिंदी चीनी भाई भाई, अब ये भाई भाई कैसे होंगे भाई? ये भाई भाई तब तक नहीं हो सकते जब तक इनकी कॉमन फादरहुड ना हो, जब तक हम ये ना जाने तो वो चीनी है ना हम हिंदी हैं, हम तो आत्माएं हैं,
वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, मेरा शरीर जो है मैंने हिंदुस्तान में लिया, उसने उस आत्मा ने अपना शरीर चाइना में लिया, लेकिन एक्चुअली सिर्फ शरीर ही हिंदी और चीनी है, लेकिन आत्मा ना तो हिंदी है ना चीनी है, और हम ये जो आत्माएं हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे चीनी हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे रशियन हो, चाहे जापानीज हो, हम सब की सब आत्माएं हैं, ये सिर्फ शरीर है जो कि जापानीज, हिंदी, चीनी, अफ्रीकन, अमेरिकन, यूरोपियन एक्सेट्रा है. सो जब हम इस बात को समझ लेंगे, देन देयर कैन बी यूनिवर्सल ब्रदरहुड. That all of us are soul who are coming from Supreme God. So in this way, then there can be universal brotherhood. Otherwise, all the attempts, all the speeches and all the endeavors to bring universal brotherhood would turn out to be futile, would be useless actually. So इसीलिए universal brotherhood भी आएगी जब हम ये जानेंगे that we all are souls. तो soul को जानने के बाद भी एक बड़ा positive outlook आता है, एक positive हमें energy आती है that yes, I'm soul. I'm such a beautiful thing. I'm such a powerful thing. And I'm coming from Supreme Lord. I'm spiritual actually. It is not that I am human having spiritual experience. Actually, I am spiritual having this human experience. So, is tarah ka positive attitude aata hai zindagi ke andar. Aur iske ek bahut hi sundar story bhi hai, how someone can be really happy being on the level of soul. In the example of Socrates. Socrates jo the, he was on the level of soul. He knew that he is soul and he belongs to God. And he used to spread the message of God as well. तो सोक्रेटिस के खिलाफ जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई सोक्रेटिस जो है सबको भगवान के बारे में बताता है और हमको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि हम तो नास्तिक हैं और ये सबको बोलता है कि भगवान है, भगवान है, भगवान है, ये तो बहुत गलत बात है. सो वी विल पॉइजन हिम एंड वी विल किल हिम. तो ऐसा सोच के जब सरकार ने योजना बनाई, तो सोक्रेटिस को किसी ने आके बताया कि सोक्रेटिस क्या तुमको पता है सरकार तुम्हारे खिलाफ तुमको मारने की योजना बना रही है. तो सोक्रेटिस ने कहा, वेल दे कैन नॉट इवन सी मी, हाउ कैन दे किल मी, ये लोग तो मुझको देख भी नहीं सकते, मुझको मारेंगे क्या खाक, ये तो मुझे मारेंगे, मार ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तो एक्चुअली आत्मा हूं. इनफैक्ट एक बार सोक्रेटिस अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और सारे शिष्य बैठ के जब उनसे सुन रहे थे उनके घर पे डिस्कोर्स, तो उनकी वाइफ आई और वाइफ ने कहा, अरे सोक्रेटिस कामचोर आदमी, कभी कोई ढंग का काम भी कर ले अगर, हमेशा बैठ के गप्पे हाँकता रहता तू. तो जितने डिसाइपल से बहुत डर गए, कहा अरे बाप रे बाप, आज तो माता जी बहुत गुस्से में है, पिटाई ना करें कहीं. तो सोक्रेटिस ने कहा, डोंट वरी, समटाइम्स देयर इज थंडरिंग इन द क्लाउड, कभी कभी बादलों में गर्जना भी तो होती है, इट्स ओके. एंड देन सोक्रेटिस कंटिन्यूड. अब सोक्रेटिस ने जब बातचीत करनी शुरू करी, थोड़ी देर बाद ये माता जी जो इनकी वाइफ थी, वो बाल्टी में पानी लेके आई और सबके ऊपर पानी मार दिया, स्पेशली सोक्रेटिस के ऊपर, और सोक्रेटिस पूरा पानी से भीग गए. अब तो सबने कहा, भाई आज तो माता जी बहुत ही गुस्से हैं भाई, आज तो पता नहीं लगता हम लोग भी निपट जाएंगे. तो सोक्रेटिस ने कहा, वेल व्हेन देयर इज थंडरिंग इन द क्लाउड देयर इज आल्सो रेन पॉर, जब बादलों में गर्जना होगी थोड़ी बारिश भी तो होगी बाबा, तो इसलिए बारिश होगी, इट्स ओके, रिलैक्स. एंड अगेन सोक्रेटिस कंटिन्यूड. तो सोक्रेटिस जो है इतने चिल आउट क्यों कर पा रहे थे, इतने ज्यादा कूल ड्यूड क्यों थे, क्यों, क्योंकि वो ये जानते थे दैट आई एम सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, एंड द सोल बिलोंग्स टू द लॉर्ड. सो दैट वेज देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स हैविंग दिस नॉलेज ऑफ सोल, एंड वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन ऑन द ग्लोरीज and attributes and qualities of the soul in coming episodes. Thank you all very much for listening. Hare Krishna.